So now students, moving forward, अब जो चीज टेंजिबली प्रोडक्ट को ड्राइव करती है, टेंजिबली ड्राइव से मुराद ही होती है कि एक चीज आपके दिमाग में है कि आपने बनानी है, अब टाइम है कि आप अपने दिमाग में जो चीज है उसको लिखें, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखें। एट टाइम बंदा सोच बहुत ज्यादा चीजें रहा होता है, लेकिन जब उसको लिखना शुरू करते हैं, यानी एग्जीक्यूशन का पहला स्टेप है कि यू हैव टू राइट डाउन योर आइडियाज। अच्छा, अब एजाइल के अंदर जो इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी इस तरीकेकार को कि अपने आइडियाज को जो आपने सोचा हुआ है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखें, उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रोड मैप। अब जो जो प्रोडक्ट रोड मैप होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने अपना ई कॉमर्स शॉप ओपन कर लिया, और अब ऐसा नहीं है कि आपने एक मतलब डेवलपमेंट कर ली और आपने कहा कि जी अब ये एक बारी मैंने शॉप ओपन कर ली है, अब यही शॉप मुझे मतलब इट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा मैंने और कोई चीज़ एक्सपेंड नहीं करनी, मैंने कोई फीचर्स ऐड नहीं करने, मैंने कोई नई चीज़ ऑफर नहीं करनी क्लाइंट को। अगर ये आपके दिमाग में है देन यू आर डेड। रीज़न आप अगर नोट करें, अमेजोन भी, फेसबुक भी, गूगल भी, उनकी एक साल में एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हर कंपनी की, और वो ये बताते हैं कि वो इस साल में उन्होंने क्या क्या चीज़ नई ऑफर करनी है। ये किसी रीज़न की वजह से है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, अगर उनको ये पता है कि ये फॉर एग्जांपल अमेजोन है, ये सिर्फ शॉपिंग ही दे रही है और दे आर नॉट ऑफरिंग समथिंग न्यू, तो कस्टमर बेस बहुत ड्रॉप कर जाती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट रोड मैप आपको ये बताती है कि हाउ टू कीप योर प्रोडक्ट लाइफ। इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज यही है कि यू कैन नॉट से कि इट इज इनफ, यानी आपको हर वक्त नई चीजें ऑफर करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई नया वर्जन आ गया, उस वर्जन की वजह से हो सकता है आपका कोई एग्जिस्टिंग फीचर फॉर एग्जाम्पल नहीं चल रहा, तो यू कैन नॉट, आप अपने कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि चेंज हो गया है तो ये फीचर फॉर एग्जाम्पल हम ऑफर ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो प्रोडक्ट रोड मैप आपके उस इनिशिएटिव का पार्ट है जो लॉन्ग टर्म में 6 महीने, साल और 3 महीने के फीचर्स को लिस्ट डाउन करता है कि आप फॉर एग्जाम्पल इस साल में अपने कस्टमर के लिए कौन कौन से नए फीचर या कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट रोड मैप होता है इसको आपने यूं समझें कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि जो भी आपके दिमाग में है उसको लिस्ट डाउन कर लें ब्लैक एंड व्हाइट में। इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, यानी इसका कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि जो एजाइल है वो लाइट वेट डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव करता है। लेकिन लाइट वेट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज डॉक्यूमेंटेशन बट बहुत हाई लेवल पे। तो आप यूं समझें कि जो प्रोडक्ट रोड मैप है ये हाई लेवल समरी है, जो भी आप अपने प्रोडक्ट में नई इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कल को हो सकता है कि आप ये कहें कि जी हमने फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कल को पेपाल पाकिस्तान में आ जाए, तो आप ये अपने प्रोडक्ट रोड मैप में डाल दें कि जी अगले क्वार्टर में हम पेबा के साथ इंटीग्रेशन देंगे या स्किल के साथ देंगे या मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं एंड सो ऑन। आई मीन देयर आर जिलियंस ऑफ फीचर्स जो कि कंपनीज ऑफर करती हैं। दिस इज वेयर योर सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कम्स इन, यानी जो प्रोडक्ट रोड मैप होता है उसके जो जो की ड्राइवर्स होते हैं वो मार्केटिंग एंड सेल्स टीम होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट टीम। तो से जो रोड मैप है वो आपके प्रोडक्ट की हार्ट बीट है। द मोमेंट यू से कि हमारे प्रोडक्ट का रोड मैप जो बनाना था बना लिया है, देन योर प्रोडक्ट इज गॉन एंड द प्रोडक्ट मीन योर कंपनी। तो जो आपके कंपेटिटर्स हैं आप उन पे खास तौर पे नजर रखते हैं कि व्हाट दे आर ऑफरिंग, क्योंकि अगर एक कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, आपके आपके शॉपिंग कार्ट से कोई चीज परचेज करने की या आपके कंपेटिटर से, तो अगर मैं भी कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो आई विल गो फॉर द बेटर ऑप्शन। तो मतलब अमेजोन क्यों मशहूर है, इसीलिए मशहूर है कि दे आर ऑफरिंग अ लॉट बेटर सर्विसेज, लॉट बेटर फीचर्स देन देयर कंपेटिटर्स। तो जरा एक स्टेप बैक होकर सोचें कि वो नए फीचर कैसे डेवलप करते हैं, आई मीन उनको कौन बताता है। मतलब वन गुड डे जेफ बेजोस जो सीईओ है अमेजोन का, वो ये नहीं कहता कि नया फीचर डेवलप कर दो, देयर इज समथिंग, देयर इज सम थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन, और उस थॉट प्रोसेस को बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट रोड मैप में कहते हैं।
यानी उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रोड मैप का. और एक बहुत की कंपोनेंट प्रोडक्ट रोड मैप का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 3 फीचर या 6 फीचर अगले क्वार्टर के लिए प्लान किए हुए हैं, तो एक बात याद रखें, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. यानी अगर आप 6 फीचर्स ऑफर कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की एक्चुअली. और अगर उस इन्वेस्टमेंट के को आप इवेल्यूएट नहीं कर रहे, उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, देन यू आर गॉन. इससे आसान लफ्ज में मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर मैयर करेंगे कि 10 लाख के ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है और कितने अरसे में मिल रहा है. इसको हम लोग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बोलते हैं. यानी यू पुट सम यार्ड स्टिक, कोई आप तरीकेकार ज़रूर रखते हैं कि 10 लाख मुझे रिकवर कब तक हो जाएंगे और कितनी ड्यूरेशन में होंगे. तो एक तो कंपेटिटर्स एनालिसिस, यानी जो आपका कंपेटिटर ऑफर कर रहा है, और सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर ये बनता है हमेशा. एंड द की थिंग इज के आप ये नहीं कह सकते कि जी ओके जी हम पेपाल के साथ इंटीग्रेशन देंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. यानी क्योंकि जो पेपाल वाले हैं वो आपको तो चार्ज करेंगे ना, तो आप कुछ बेंचमार्क तो रखेंगे ना. कि मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेपाल के पाकिस्तान में ना आने की ना एक बहुत बड़ी बिजनेस रीज़न भी है, क्योंकि जो पेपाल है वो बेसिकली पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है. अगर इतने कस्टमर ही नहीं होंगे जिनको वो चार्ज कर सके, तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, डेवलपमेंट टीम रखनी है, तो इट कॉस्ट देम. तो अगर बिजनेस वाइबिलिटी नहीं होगी, सो दे वॉन्ट ऑफर देयर सर्विसेज. बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप शॉपिंग कार्ट में कोई ऐसी सर्विस ऑफर कर बैठे हैं जिसके लिए कस्टमर्स नहीं हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं. तो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया आपको ये बताएगा कि आप पॉकेट से पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन कब तक लगाने हैं. देयर मस्ट बी सम टाइम फ्रेम जिसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस आना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रोड मैप.